हेलो बच्चों, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की जो ये हमारी क्लास है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे थेल्स थ्योरम पे, और हम लोग ये समझेंगे कि थेल्स ने क्या थ्योरी दी थी और उसका हम लोग कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने में कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो थेल्स क्या था, थेल्स एक मैथमेटिशियन था और उसने पहली बार जो है कुछ कॉन्सेप्ट दिया था अपना। वो कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे कि मान लीजिए ये एक सीधी रेखा है और इस पर मैंने कोई भी एक एंगल बनाता हुआ मैंने एक और लाइन डाल दी। ये मान लो कि ये एक लाइन है, इसका नाम है ए पॉइंट और ये बी है, और ये ए से लेकर सी तक मैंने इस पॉइंट तक ले आया इसको। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए थेल्स ने क्या कहा कि अगर ये डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर की, ये डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर की, मान लो ये है। तो अगर 10 सेंटीमीटर में सपोज कि मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक डॉट लिया, इसका नाम रखा M, फिर 1 सेंटीमीटर मैंने डिस्टेंस लिया, इसका नाम रखा मैंने N, फिर मैंने एक डिस्टेंस लिया 1 सेंटीमीटर का, मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा O, फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी ली हमने इसका नाम रखा P, और फिर हमने 1 सेंटीमीटर पे यहाँ मैंने रखा Q। तो भाई एक मैंने एक आपसे सिंपल सी बात कही कि ये एक सीधी रेखा है AC, और AC पर हमने एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पर बराबर दूरी पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए M, N, O, P और Q। हमने जो ये पॉइंट्स लिया है बेटा, यार सुनो, बंद कर दो उसको यार, तुम क्यों दिमाग खराब कर रहा है। हमने जो ये पॉइंट्स लिया है तो इस पॉइंट्स में अगर ये एक पॉइंट है M, N, O, P और Q, अगर हम यहां से एक डालें परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी रेखा डालें यहां पर, और यहां पर हमें एक पॉइंट मिला जिसका नाम है S, यहां से मैंने एक डाला परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा इस पे, इसका नाम है O। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ, मतलब लंबवत एक रेखा डालूँ, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला K। लंबवत का मतलब क्या होता है, जो इस रेखा पर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाए, जैसे ये भी कोण 90 डिग्री हो और ये भी कोण 90 डिग्री का हो, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो ये लाइन है इसको बिल्कुल सीधा काटे, जो ये लाइन है इसको बिल्कुल क्या काटे, सीधा काटे, इसको बिल्कुल सीधा काटे, यहाँ से बिल्कुल सीधा पड़े और यहाँ बिल्कुल सीधा पड़े। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी 90 डिग्री पर हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो ये S है, O है, K है, L है और इसका नाम रख दो Z। तो ये हमें डॉट्स मिले किस पर, जो AB रेखा है इस पर कुछ डॉट्स मिले। तो ये पॉइंट है, 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 यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो AS है, SO है, OK है, के एल है और एल जेड है। मैं आप सिंपल सी बात ये बस कहना चाहता हूँ कि थेल्स ने ये कहा था कि अगर ये सभी दूरियाँ, जैसे ए से लेके एम तक की दूरी, एम से लेके एन तक की दूरी, एन से लेके ओ तक की दूरी, ओ से लेके पी तक की दूरी और पी से लेके क्यू तक की दूरी, अगर ये सभी दूरियाँ आपस में बराबर हैं और हमने इन सभी डॉट्स को लेकर के एक लंब डाला किस पर, रेखा ए बी पर, तो जो ये दूरी होंगी ए एस, एस ओ, ओ के एल, एल जेड, ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये आपस में हमेशा बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर इसका मैं रेशियो लूँ, ए एम लूँ, यानी कि ए एस अपॉन ए एम करूँ, और अगर हम इसको देखें एम एन अपॉन ओ एस करें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। जैसे कि मैं अगर ए एस अपॉन ए एम करूं और ये बराबर होगा किसके, ए ए एस अपॉन ए एम होगा, ये बराबर होगा एस ओ अपॉन एम एन के, यानी कि जो इसका और इसका अनुपात है वही अनुपात होगा इसका और इसका भी। और इसी थ्योरी का हम बार 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 प्रयोग करते हैं क्वेश्चंस में। तो गाइज आपको मेरी बात समझ में आई, ये थेल्स का थ्योरम है, थेल्स का, और थेल्स ने कहा है कि ये इस तरह के जो डिस्टेंस होते हैं हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे।
जैसे अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो आप इसको रिपीट करो, बैक करो, क्वेश्चंस को देखो। अब इसी के बेस पर हम लोग एक दो क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम बुक में जाएं, क्वेश्चंस को देखें, हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे ले सकते हैं, क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर लेकर के दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसका आप नाम कुछ भी रख दो, ए रख दिया, बी रख दिया और सी रख दिया, हमने ए बी सी नाम रख दिया। और ए बी सी में, अच्छा, इस थेल्स थ्योरम में उन्होंने कुछ और ही बात बताई थी। बात क्या बताई थी कि जैसे ये जो लाइन है और ये जो लाइन होगी, ये हमेशा पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, ये इसके समानांतर होगी, ये इसके समानांतर होगी, ये इसके समानांतर होगी, या इसमें से कोई भी रेखा, जो ये सारी लंबवत रेखाएं पड़ रही हैं, इसमें से कोई भी एक दूसरे के समानांतर होगी। यानी कि ये रेखा इसके भी समानांतर हो सकती है, ये रेखा इसके भी समानांतर हो सकती है, ये रेखा इसके भी समानांतर हो सकती है। तो बच्चों, जो रेखाएं समानांतर होती हैं उनके बीच में जो गैप होंगे, यानी कि ये जो डिस्टेंस, ये वाला, ये जो दोनों डिस्टेंस है, इनका रेशियो हमेशा इनके रेशियो के बराबर होगा। यही थ्योरी हमको ध्यान देनी है। तो मैंने आपसे क्या कहा भी, जैसे एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ए बी सी में मान लो कि मैंने बी सी के पैरलर यहाँ पर एक लाइन डाल दिया जिसका नाम है एम और एन। इस ये रेखा है, इस डॉट का नाम है एन और इसका नाम है एन। तो बच्चों, ये जो एम और एन है, ये बी सी के पैरलर है। अब जब पैरलर होगा तो थेल्स ने क्या कहा था कि अगर ये दो रेखाएं समानांतर हैं तो जो ये डिस्टेंस होगा, इसका और इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा इसके और इसके। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि AM अपॉन MB ये बराबर होगा AN अपॉन NC। ये दोनों आपस, इसका जो रेशियो होगा इसके बराबर होगा। अब यहां पर बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी गई है। जो ये लेंथ दी गई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा यहां पे दिया है 3 सेंटीमीटर और आगे आपको दिया हुआ है, यहां पर ये दिया है 1 सेंटीमीटर और ये हमको फाइंड करना है। तो अब हमको ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो हमने माना, लेट इट बी एक्स, ये क्या होगा, एक्स मान लिया हमने। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो बेटा, अगर हम देखें तो ए एम की वैल्यू क्या है, 1.5, एम बी की वैल्यू क्या है 3, और इक्वल टू ए एन की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एन सी की वैल्यू क्या है, हमको नहीं पता था, एन सी को एन सी रखो। अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो 1.5 इंटू एन सी ये बराबर होगा 3 इंटू 1 के। तो एन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन सी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3, और ये अपॉन होगा कितना, एन सी तो यहीं पे 1.5 के। आपने पॉइंट को रिमूव किया और आप ये जीरो बढ़ा दिए यहाँ पे, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30। तो बेटा एन सी का जो मान आया वो कितना आ गया, 2। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, 2। हम लोग इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को इसी थ्योरी पे हम लोग आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम का एक एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में सीरीज में डालते रहेंगे, ठीक है गाइस। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना और आगे भी एक लेक्चर जो है कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।